अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों के लिए लाई हूँ सिंपल भिंडी। मैं आप बताती हूँ किस तरीके से सिंपल भिंडी बनती है। देखिए, सिंपल भिंडी के लिए हमें लेना होगा प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, कुटी मिर्च, हल्दी, जीरा, हींग। भिंडी ऐसी काटनी होगी थोड़ी बड़ी। नमक, नींबू आधा। अब बताती हूँ कैसे बनानी है। गैस जला दी, अब डालते हैं हम तेल। तेल आपको पर आप जितना भी डालें। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, जीरा हींग डाल देते हैं। जीरा हींग डाल हो गया हमारा, डाल देते हैं प्याज। प्याज हमें ब्राउन करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, कम करनी है। चलाते रहना है। अब हमारी प्याज हो गई है लाल, बस इतनी रखनी है आपको, आधी लाल आधी सफेद। उसके बाद हमें डाल देना टमाटर, हरी मिर्च, एक चम्मच हल्दी। ये सिंपल भिंडी है, 10 मिनट में तैयार हो जाती है। कुटी मिर्च एक चम्मच, एक चम्मच नमक। अब इसको सारा मिक्स कर लेते हैं तरीके से। 2 मिनट के लिए इसे ढककर रख देते हैं। सिंपल भिंडी के साथ मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल भिंडी का। 2 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं भिंडी। भिंडी इतनी बड़ी उतनी ही बड़ी काटनी है। मैंने धो ली थी पहले, तो इसको सुखा के कट करके रख दी थी। अब इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब हमने अच्छे से मिक्स कर दी है। लास्ट में हम डाल देते हैं नींबू। नींबू हम इसलिए डालते हैं कि उसका भिंडी का चेपा होता है ना, वो उससे मर जाता है, चिपचिपापन नहीं रहता। अब 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देते हैं। सिंपल भिंडी तैयार। अब हम खोल कर देखते हैं हमारी भिंडी है वही है तैयार। देखिए, ऐसी हरी हरी रखनी है, ज़्यादा नहीं गलानी है। बहुत टेस्टी बनी है, 5 मिनट में रेडी हो जाती है झटपट वाली भिंडी। आप देख सकते हैं 5 मिनट में हमारी सिंपल भिंडी हो गई है रेडी। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत इजी है। अब मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी लेके आऊँगी। जब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आगे चैनल को बढ़ाते रहिए। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।